सो ये है OnePlus 7T जो कि लॉन्च हुआ था 2019 में एंड इस फोन को लॉन्च हुए 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं एंड आज भी 2023 में ये फोन बहुत ही फाड़ू तरीके से परफॉर्म करता है। BGMI इसमें 90 FPS पर चल जाता है, कैमरास भी यहाँ पर अनबीटेबल हैं एंड यहाँ पर जो डिस्प्ले वो भी आपको AMOLED देखने को मिल जाता है विद 90 Hz। और तो और मैंने अभी बहुत से न्यू फोन भी कवर करे थे जो कि अंडर 25,000 रुपीज आपको न्यू देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि Realme 10 Pro Plus, Redmi Note 12 Pro, Nothing Phone 1, इन सब फोन्स को भी OnePlus 7T आराम से पछाड़ देता है। OnTuTu स्कोर भी इस फोन के ज्यादा आते हैं एंड यहाँ पर जब आप इसकी प्राइस सुनेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। ये फोन सेकेंड हैंड है एंड मात्र 13,000 रुपए का है। तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि भाई आप कैसा स्कैम बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं इस फोन का जो बैक पैनल है वो टूटा हुआ है। वहीं अगर आप ये वाला फोन फ्रेश कंडीशन में लेने जाएंगे तो सेकेंड हैंड मार्केट में ये फोन आपको फ्रेश कंडीशन में आराम से 15-16,000 रुपए का मिल जाएगा, जो कि इस प्राइस रेंज में इस फोन को बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बना देता है। मैंने इतना सस्ता OnePlus 7T कहां से लिया, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड हैंड OnePlus 7T का इनडेप्थ रिव्यू करने वाले हैं, जानेंगे कि क्या 2023 में हमको OnePlus 7T लेना चाहिए या इसको स्किप करना चाहिए। तो यहां पर अगर आप चैनल पर न्यू हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका भाई सेकेंड हैंड फोन के इनडेप्थ रिव्यू लाता है एंड आपके पैसे बचवाता है। यहां पर जो ये OnePlus 7T है, इसके लुक एंड फील में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करे गए हैं। फोन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है। फ्रेम यहां पर आपको एल्युमिनियम का मिल जाता है। फ्रंट एंड बैक साइड आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। बात करते हैं इन एंड फील की, तो फोन हल्का सा हैवी साइड है। कैमरा बम थोड़ा बड़ा है जिसके कारण थोड़ा टॉप से ये भारी फील होता है। बाकी का पोर्ट्स में आपको हेडफोन जैक गायब देखने को मिल जाएगा। डुअल 4G सिम आप लगा पाएंगे, एक्सटर्नल SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 4G फोन लिया जाए कि 5G फोन लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि अभी 5G को पूरी तरीके से आने में 1 से 1.5 साल बाकी है, तो आप चाहें तो अभी भी 4G फोन को कंसिडर कर सकते हैं। इस फोन में आपको OnePlus का आइकॉनिक अलर्ट स्लाइडर भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप जनरल साइलेंट कर पाएंगे फोन को। बाकी का यहाँ पर ये चीज अच्छी है कि इसमें एल्यूमिनियम का फ्रेम दिया गया है, क्योंकि आजकल जितने भी 25,000 रुपए के अंडर फोन आ रहा है सब में आपको प्लास्टिक फ्रेम मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पर OnePlus 7T आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये 3 साल पुराना फोन है या बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो गया, इसका डिजाइन ओल्ड हो गया है, ऐसा नहीं है। ये आज के ट्रेंड को फॉलो करता है। डिस्प्ले यहाँ पर आपको 6.55 इंच का फ्लूइड AMOLED मिलता है। HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा। डिस्प्ले इंडोर में बहुत ही ज्यादा शार्प कलर्स देता है, HDR देखने में आपको मजा आ जाएगा। लेकिन आउटडोर में मुझे हल्की सी ब्राइटनेस की कमी लगी, क्योंकि आजकल जितने मैं फोन यूज कर रहा हूँ उसमें जो बाहर की आउटडोर ब्राइटनेस है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मिलने लगी है। डायरेक्ट सनलाइट में यहाँ पर डिस्प्ले और ब्राइट होता तो ज्यादा बेहतर रहता। वैसे यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट में कॉल उठाना, कॉल लगाना, यहाँ पर मैसेज टाइप करना, ये सारे काम आप इजिली कर पाएंगे, बस आप वीडियो कंटेंट डायरेक्ट सनलाइट में नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर एक और बहुत ही चीज अच्छी देखने को मिल जाती है, ये नेक्स्ट टू फ्लैगशिप फोन था तो यहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स में HDR 10 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। साउंड क्वालिटी भी यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा रिच देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस फोन में आपको डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो ओवरऑल मीडिया कंजप्शन है वो आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 3 साल बाद OnePlus 7T कैसा परफॉर्म करता है। सो इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्लस प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 2019 का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर था एंड बहुत ही ज्यादा स्टेबल प्रोसेसर था। एंड आज भी 3 साल बाद ये प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा फाइन तरीके से काम करता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। मैंने यहाँ पर कुछ टेस्ट करे थे, OnTuTu स्कोर 5 लाख के ऊपर आ जाते हैं। सीपीयू थ्रॉटलिंग में भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाता है। स्नैपड्रैगन का 855 प्लस प्रोसेसर जो अभी मीडियाटेक का न्यू प्रोसेसर आया है 1080, उसको आराम से बीट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो OnTuTu स्कोर है उसमें अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। एंड सीपीयू थ्रॉटलिंग में भी यहाँ पर 855 प्लस ही जीत जाता है। तो अगर आप Realme 10 Pro Plus या Redmi Note 12 Pro यूज करने का सोच रहे थे तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस OnePlus 7T में ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाता है। ये प्योर ऑक्सीजन OS के साथ आता है, इसमें ऑक्सीजन OS 11 है जो कि Android 11 पर बेस्ड है। फोन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फ्लूइड चलता है। एंड एक और चीज, इसमें आपको गूगल डायलर देखने को नहीं मिलेगा, OnePlus का ओरिजिनल डायलर है, तो यहाँ पर आप इजिली कॉल भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर इसकी स्पीड की, तो एप्स बहुत ही फास्ट तरीके से ओपन हो जाती है। अगर आप एक हैवी यूजर है तब भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। इसमें आपको 90 Hz भी देखने को मिल जाता है, जो कि ये प्रोसेसर बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। फोन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्टेबल चलता है। यहाँ पर जो रैम है वो आपको 8GB की LPDDR4X वाली देखने को मिल जाएगी एंड आराम से आप 6 से 7 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रख पाएंगे। फोन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एप्स रिलोड कर दे, बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है। एंड मैं हैरान हूँ कि 3 साल बाद भी यहाँ पर ये फोन बहुत ही स्टेबल तरीके से काम कर रहा है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर एक हैवी यूजर है एंड मेन परफॉर्मेंस के लिए आप फोन लेने का सोच रहे हैं एंड आपने सोच रखा था कि मैं Realme 10 Pro Plus लूंगा या Redmi Note 12 Pro लूंगा, तो आप उन फोन्स को स्किप करके सेकेंड हैंड OnePlus 7T की तरफ जा सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एज वेल एज फेस लॉक देखने को मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हल्का सा ऊपर होता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि यहाँ पर ये बार बार
मिसप्लेस हो जाता है। वैसे यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो डिसेंट है। यहाँ पर जो गेमिंग है उसमें भी मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हुआ हूँ। BGMI बहुत ही डिसेंट टाइम में ओपन हो जाता है। ग्राफिक सेटिंग की बात करें तो मैक्स ग्राफिक सेटिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, HDR+ एक्सट्रीम, एंड आप स्मूथ प्लस 90 FPS पर भी गेम खेल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी सेटिंगों में गेम खेला, स्मूथ प्लस 90 FPS में भी बहुत अच्छी तरीके से गेम चल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कॉन्स्टेंट 60 FPS चाहिए तो आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में खेलिए, यहाँ पर आपको गेम खेलने में बहुत ही ज़्यादा मजा जाएगा। एंड यहीं पर अगर आप कोर गेमर हैं तो इस फोन को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि Redmi Note 12 Pro, Realme 10 Pro Plus, Nothing Phone 1, तो उन सब फोन्स को मैंने मना करा था कि अगर आप डेडिकेटेड गेमर हैं तो वो फोन्स मत लीजिए, लेकिन आप ये वाला फोन ले सकते हैं। यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर जिस प्राइस रेंज में ये फोन सेकेंड हैंड मिल रहा है उस प्राइस रेंज में इसकी परफॉर्मेंस को बीट करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर जो बैटरी है उसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो 5000 mAh की बैटरी का चल रहा है। जो हमारा OnePlus 7T उसमें आपको मात्र 3800 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन यहाँ पर चार्जर जो इसका इसमें 30W का मिल जाता है, जो कि बैटरी को बैलेंस कर देता है। यहाँ पर अगर आप इसको फुल चार्ज करेंगे तो 1 घंटे 10 मिनट तक लग जाते हैं। बात करते हैं बैटरी कितनी चलती है, तो अगर आप बहुत ही ज्यादा हैवी यूजर है, बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं, कैमरे का यूसेज आपका ज्यादा है, तो फोन आपको 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। बाकी अगर आप 1-2 गेम ही खेलते हैं, ज्यादा कैमरा यूज नहीं करते, तो फोन आपका आराम से रात तक भी चल जाएगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है कैमरास। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, कोई भी 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो या डेप्थ देखने को नहीं मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिल जाएगा विद OIS, 12 मेगापिक्सल का आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है, एंड यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड भी मिल जाता है। सीधे चलते हैं यहाँ पर कैमरा शॉट पर। एंड इस फोन की सबसे अच्छी बात यह है कि इस फोन में आपको जो बड़े नंबर वाला कैमरा है उसको बार बार इनेबल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये 48 मेगापिक्सल से ही शॉट्स लेता है। एंड यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हूँ, आज भी डायनेमिक रेंज बहुत अच्छे से ये कंट्रोल कर लेता है। नॉर्मल शॉट्स में आपको डिटेल्स अच्छी मिल जाती है, कलर्स भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आते हैं, एंड जब सनलाइट आपके बैक में होगी तो उस सिचुएशन में भी फोटो बहुत सही आते हैं, डायनामिक रेंज सही से कंट्रोल हो जाती है। बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट्स की, तो इसमें आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा मिलता है जिससे अच्छे खासे पोर्ट्रेट शॉट्स आ जाते हैं। एज डिटेक्शन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, फोटो बस यहाँ पर हल्की सी एडिटिंग मांगते हैं, आप हल्का सा एडिट करेंगे एंड फोटो आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर अल्ट्रा वाइड की, तो अल्ट्रा वाइड में भी आपको बहुत अच्छी डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं, बहुत अच्छी तरीके से डायनामिक रेंज को भी कंट्रोल कर लेता है, एंड यहाँ पर जो कलर्स हैं वो भी बहुत ही ज्यादा फाड़ू आते हैं। एंड यहाँ पर ये जिस प्राइस रेंज में सेकंड हैंड मिल रहा है उस प्राइस रेंज में ऐसी कैमरा परफॉर्मेंस मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो यहाँ पर जो फोन के कैमराज है वो A1 है प्राइस के हिसाब से भी। एंड यहाँ पर ये 3 साल पुराना हो चुका है, उसके बाद भी ये आराम से Redmi Note 12 Pro, Realme 10 Pro Plus एंड Nothing Phone 1 को बीट कर देगा। मैं यहाँ पर ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये तीनों फोन्स को मैं बहुत अच्छी तरीके से यूज कर चुका हूँ, उनके कैमराज को भी यूज कर चुका हूँ। आप चाहें तो उनका भी वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये वाले फोन कैसे रिजल्ट देते हैं। बात करते हैं यहाँ पर वीडियो क्वालिटी की, तो मैक्स आप 4K 60 FPS पर वीडियो बना पाएंगे, एंड यहाँ पर जो क्वालिटी वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आती है, स्टेबलाइजेशन भी 1 नंबर है, कलर्स भी शानदार आते हैं, एंड यहाँ पर जो वीडियो की क्वालिटी वो भी बहुत ही शार्प आती है। बस छोटे ऑब्जेक्ट को ऑटो फोकस करने में दिक्कत देता है, आपको मैन्युअली टैप करके फोकस करना पड़ेगा। बाकी का यहाँ पर जो ह्यूमन वीडियो आती है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आ जाती है। सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, एंड सेल्फी शॉट्स भी अच्छे आ जाते हैं, डिटेल्स मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो स्किन टोन है वो हल्की सी रेडिश टाइप आती है। वहीं अगर आप पोर्ट्रेट सेल्फी लेंगे तो पोर्ट्रेट सेल्फी डिटेल वाली आ जाती है, लेकिन कभी कभी ये एज डिटेक्शन में दिक्कत कर देता है। फ्रंट वीडियो यहाँ पर आप मैक्स 1080 30 FPS पर रिकॉर्ड पाएंगे, क्वालिटी आपको डिसेंट देखने को मिल जाती है। अगर आप रील्स एंड शॉर्ट्स बनाने का सोच रहे हैं तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं, क्वालिटी डिसेंट है, यहां पर बहुत ही ज्यादा बुरी भी नहीं है ना ही बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर सेल्फी में 4K 60 FPS वाली रिकॉर्डिंग इनेबल होती तो यहां पर मजा ही आ जाता। अब यहां पर बात कर लेते हैं मेन कंक्लूजन की, कि क्या 2023 में हमको ये 3 साल पुराना OnePlus का OnePlus 7T लेना चाहिए या इसको स्किप करना चाहिए। तो सीधी बात, यहां पर मैंने जितना भी इस फोन को यूज करा, फोन 2023 में बहुत ही ज्यादा स्टेबल चलता है, एंड 1-2 साल ये आपका फोन और आराम से निकाल देगा। इस फोन की जो मेन परफॉर्मेंस है, कैमरा परफॉर्मेंस है, गेमिंग परफॉर्मेंस है, आजकल के न्यू फोन से जो 25,000 रुपए में आते हैं उनसे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर मैंने खुद 25,000 रुपए के अंदर लॉन्च हुए बहुत से फोन को टेस्ट करा है। एंड यही वजह है कि मैं आपको बोलता हूँ कि भाई सेकंड हैंड लो, न्यू लोगे तो आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। बस यहाँ पर आपको सेकंड हैंड फोन लेने से पहले थोड़ा ध्यान बरतना पड़ता है, बाकी का अगर आप अच्छे से देख कर लेंगे तो आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। बात करते हैं यहाँ पर ये फोन मैंने कहाँ से लिया, तो बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि मैं जितने भी सेकंड हैंड फोन लेता हूँ वो स्ट्रीट मोबाइल से लेता हूँ। तो अगर आपको भी जेन्युइन सेकंड हैंड फोन चाहिए तो आप स्ट्रीट मोबाइल से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आपको जेन्युइन फोन्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी का ये वाला जो OnePlus 7T है वो 13,000 रुपए का है, क्योंकि इसका बैक पैनल फूटा हुआ है।
आप अगर अच्छी कंडीशन में देखेंगे तो आराम से आपको 15-16 हजार रुपए में देखने को मिल जाएगा। वही मैं बात करूं जो बैक पैनल की कॉस्ट है वो ओनली 1000 रुपए, तो यहां पर मैं 1000 रुपए डालकर इसका बैक पैनल भी चेंज करवा सकता हूं या 250-300 रुपए की इस पर स्क्रीन लगा लूंगा, क्योंकि यहां पर फोन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, मुझे इसमें कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिला है। आई होप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ गए होंगे कि सेकंड हैंड फोन लेने में आजकल ज्यादा भलाई है। अगर जेन्युइनली आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी तो फटाफट बिना सोचे समझे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर।